हाँ सलाले घूम कुदूसी साहब क्या हाल है? इंशाल्लाह भाईजान वासलाम बेटे, इंशाल्लाह आपकी फाइल एक हफ्ते में बिक जाएगी। सर मुंह बोले रेट मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। वहां हमारी मिठाई का आपने करना है। बैलेंस है कौन? जवाद कौन? वो जो दुकान के लिए नहीं आया था जवाद के लिए, दुकान चाहिए। कौन? जवाद उमर लाहौर वाला? हाँ हाँ भाई, क्या हाल है जवाद उमर लाहौर वाले? ठीक है। देखो आप कहते थे नाम नहीं आ रहा, हमारा नाम आ गया आपका। और सुनाए, ठीक है, खैरियत है? ले आओ इधर। वाह सलाम, क्या हाल है भाई? शॉप चाहिए। शॉप चाहिए थी, रेंट पे। रेंट पे चाहिए? अच्छा मैं कॉल करता हूँ जवाद भाई आपको, आप कर लेना अगर बैलेंस हो आपके मोबाइल में। ठीक है, सलाम अलैकुम। क्या हाल है? फ्लैट रेंट पे चाहिए। क्या हाल है? ठीक ठाक बैठे। आप यहाँ आ जा। क्या चाहिए? रेंट पे फ्लैट चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में। हाँ ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर चार कमरों का। अच्छा किस एरिया में चार है? इसी एरिया में मिल जाए आपके नियर। अच्छा ग्राउंड फ्लोर, निकालो थोड़ा चेक करो। 564 का। ठीक है, डबल मंजिला मकान है वो। डबल मंजिला जी। ठीक है, फाइल दिखाए। किसके नाम पे? ये मेरी वालदा के नाम पे। वालदा के नाम पे हयात है वालदा? वालदा। ठीक है। डबल मंजिला किस हिसाब का बना हुआ है भैया? 10 साल पुराना होगा। 10 साल पुराना। आरसीसी है दोनों तरफ? हाँ। डिमांड क्या है? डिमांड जो है 85 की है। 85 जी। इसको जरा वेरीफाई कर लो, मकान नंबर क्या है? L82। हेलो। हाँ यार ये एक फाइल आई है, इसे जरा वेरीफाई करनी है। ये L82 है, सेक्टर क्या बताया? 5C4। ये हैं कब? क्यों? क्या हुआ? चाइना कटिंग है? नहीं नहीं, वो बंदा फाइल लेके आया हुआ भाई, कंफर्म है। ओके सर, ये चाइना कटिंग है। और ये आप, ये आपके पास कैसे आई? ये कब्जे की फाइल है। आपने सही इंफॉर्मेशन ली है। है? आपने सही इंफॉर्मेशन ली है भाई। सही इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे पूरा पूरी हमारा ग्रुप घूम रहा है, जिसको एक एक घर का पता है, एक एक चीज का पता है। गटर लाइन कहाँ से जाती है, कहाँ से निकलती है, कुल्फी वाला कहाँ होता है, हलीम कहाँ अच्छी मिलती है, सब पता है। यूपी पे है शॉप 10x16 की, ठीक है? हाँ चढ़ाई है, सब कुछ है। लेकिन बस एक मसला था कि वो दूध की दुकान खाली हुई है। ठीक है, तो पार्लर खोलना है। हाँ पार्लर खोलना है, बस वो एक वो सफेद टाइल है फाइन मिल शॉप के नाम से, और वो दूध के वो लगे हुए हैं डंपल। वो दूध असल में दुकान की है जब्त हमने उससे, दूध वाले से। किराया उसने दिया नहीं था, दुकान ही कर ली हमने जब्त। आपकी रेंज क्या है किराए पे? 15,000 रुपए। बत्ती गैस अलग है? अच्छा बत्ती कटी हुई है उस फ्लैट की। ठीक है, और मसला ये है कि वहाँ पे 2-3 पार्टियाँ रही हैं, और 2-3 पार्टियाँ 2-4 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रहा। वो कह रही हैं कि कंजरिंग वाले नन आती है रात को। ड्रावना फ्लैट है तो आसेब है भाईजान। बात ये है कि हम इंसानों के लिए लेना है, जानवरों के लिए थोड़ा। नहीं नहीं, जानवरों के लिए नहीं, आसेब का वो बता रहे आपको। रेंट 15,000 से हम सस्ता ही देंगे, हम आपको सस्ती रेंज में देंगे आपकी रेंज से। लेकिन बस आसेब है, आपने ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। रात को 12:15 बजे नन आ जाती है भाई। एडजस्ट कैसे होगा? कैसे होगा एडजस्ट? तो अब आप देख लेना। नहीं नहीं, जिन्नात नहीं लेने जा रहे। आपकी फैमिली में कौन है? सारे छड़े हैं आपको? औरतें भी, लेडीज हैं, लेडीज भी हैं, वालदा है, वालदा भी है। तो बस भाई मैं तो 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। भाई नहीं, उसे पता होगा तो उसने बताया ना। क्या पता, गड़बड़ है ना फाइल में? कहाँ से गड़बड़ आ? चाइना कटिंग निकल रहा है भाई। मेरी वालदा के नाम ट्रांसफर हुआ है। वो बोल रहा है किसी मकरानी औरतों का घर था जो कब्जा हुआ है। अरे भाई गलत इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद। आप गलत बंदा, आपका गलत है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नहीं नहीं, ये तो भाई जान, ये तो आप देखे, इसको हम अब करेंगे कानूनी कार्रवाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसको हम पहले चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे,
अगर और कोई घपला निकला तो आप, मैं बता रहा हूँ, बचोगे नहीं, तुम नहीं बच सकते। अबे भैया लॉयर हो क्या? हो मतलब क्या जा रहे हो? क्या लायर वायर के? आपको दिखाने लाया हूँ, आप उसमें मेरे को ऊपर चढ़ रहे हो। ऊपर क्या चढ़ रहे हो? मैं रेसलिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्या यही तो कर रहे हो भाईजान? अगर मैं यहाँ पे, अगर हिसाब किताब में मैं फंस गया आपके साथ, मेरे तो यहाँ पे लग जाएंगे वांदे। तो आपको फाइल दिखाई है, आपने गैरेज पे डाली है, तो मैं भी तो इंक्वायरी कर लूं। मुझे तो बताओ पहले कि फाइल दो नंबर है। इतने बोल दिया दो नंबर है, ये तो आप कह रहे हो दो नंबर है। प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम है ना, क्या है कि पार्लर चला रही है, दूध बेच रहा है। नहीं तो पार्लर चला रहे हैं तो दूध बेच रहा है। बाहर तो बोर्ड लगाएंगे ना या नहीं लगाएंगे आप? दूध का बोर्ड लगा होगा बाहर, तो आप कहें डंपर लगते हैं। भाईजान दूध का बोर्ड नहीं, बोर्ड ऊपर आप पार्लर का लगा लीजिएगा। पार्लर फाइन मिल्क शॉप। ये कौन सा पार्लर आ गया? ये आपका नाम तो आ रहा है ना? दूध का मैं सर वो उसका जब्त कर लिया, किराया वो दे नहीं रहा था, तो गांव भाग गया। सामान वमान नहीं, वो कभी भी आ सकता है। उससे टेलीफोन पे बात हुई है, बोला है कभी भी आऊंगा और मैं दूध की दुकान फिर खोल लूंगा। तो हमारा आप मुझे बता दोगे वहां से? नहीं नहीं, आप दूध वाला आगे आप जाओ, मैं कहां जाऊंगा? पैकेज पैकेज कर लेना, एक दूल्हे पे दो किलो दूध बात ऐसा थोड़ी होता है। आप कुछ ना कुछ मैनेज तो करे भाई। भाई कितना अच्छा होगा, दुल्हन मेकअप करा के दूध भी लेके जा रही है एक किलो थैली में। क्या पागल हो गई? नहीं नहीं पागल नहीं हो गई है, घर पे सुबह चाय नहीं बननी? इसको जरा चेक करो, इसका ड्राग में डालो। मुझे गलत दे गए कुछ, अरे नहीं भाई इधर भाईजान, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं होगा। अबे कैसे होगा भाई? ये बदमाशी नहीं चलेगी हमारी दुकान पे। बदमाशी की बात हो रही है, ये आपकी फाइल करप्ट है। भाई भाई इधर लाओ यार, अरे भाई इधर लाओ भाई। अबे बहुत लिमिट हो गई यार। लिमिट क्या हो गई है? मैं कह रहा हूँ 10 साल से उस घर में रह रहा हूँ, फिर भी तुम ये कह रहे हो यार। अगर आपको मकान नंबर बताया ना आपको, तो भाईजान हम तो आप एक मिनट बता, नहीं भाई ये वो बता दूँ है, ये वो वाला थोड़ी है, फिर ये उसके पीछे वाला है। पीछे वाला है? उसके पीछे वाला है। आपका बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कुछ दूस गलत, मुझे लग रहा है चश्मे का नंबर ही गलत है आपके, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं अबे वही है जाहिल आदमी, वही है वही है, मैं बता रहा हूँ। वो आगे वाला नहीं है, ये है। मैं भाईजान मैं बता रहा हूँ, पढ़ना नहीं आता। मैं क्या फाइल दे दीजिए भाईजान? भाईजान डबल LLB किया हुआ है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, चश्मे तो नजर नहीं आ रहा। ओ भाई आराम से कर लेते ना, क्या कर लेते भाई? गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक बंदे को, मैं कह रहा हूँ 10 साल से हो रहा, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। फालतू बात क्या नहीं कर रहा तो आप, आपका बंदा फालतू बातें कर रहे हैं यार। गलत बात नहीं कर, प्लेट दो यार, गलत बात नहीं कर। मैं पप्पी कर लूंगा उंगली पे, समझ रहे हो? आपका बंदा फालतू बातें कर रहा है, ये ऊपर से कुछ नहीं आया, ऊपर से कोई सोना चांदी, एक सेकंड, आपका बंदा कह रहा है ऊपर से कोई सोना चांदी ना फेंक दे, कोई हीरे मोती ना फेंक दे, कोई डॉलर ना फेंक दे जो 137 रुपए का हो गया। आप मुझे, मैं पैसे दे रहा हूँ आराम के, थोड़ी दे रहा हूँ, आप मुझे फ्लैट दो। है आ रही है तो आप साइड पे चले जाए। नहीं है वो भाई, वो कब्रिस्तान वाला फ्लैट निकालो। हैं कब्रिस्तान सारी आती है भी रहे क्या? ये आपका बंदा इतना भरम, अच्छा मजाक करे, मजाक करे सर, सर एक सेकंड मजाक करे, कैमरा लगाया हुआ आपको। तो एक तो हमारा शुक्र गुजार हो जाना चाहिए, समझ रहे हो बात को? शुक्र मैं गवाला हूँ जो मैं दूध बेच, गवाला नहीं भाईजान। आप तो अगर पार्लर, आप पार्लर नहीं चला तो दूध तो बेचोगे? तो पार्लर लेडीज ने चलाना है, मैंने थोड़ी चलाना है। लेडीज तो लेडीज दूध बेचेंगी, पागल हो गए आप यार, ये क्या बात कर रहे हो? क्या लेडीज घोसी है? घोसी हाँ, जो दूध निकालेंगी और दूध बेचेंगी। आप कह रहे हो पैसे दे देंगे भाई, मैं दूध निकाल लूं? मैं तो भाई चौना आपने दूध को, मैं क्यों चौन दूध को? पागल यार ये बंदा मेरे न, क्या पागल हो? आपको एक तो चीज दे रहे हैं, दुकान देनी है तो आप दो दूध का। आपको नहीं, क्या दुकान देनी है? दूध मुझे चाहिए ही नहीं ना भाई, आप फैसिलिटी दे रहे हैं ना आपको? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फैसिलिटी। ऐसे नहीं होगा, आप फाइल नहीं मिलेगी। फाइल दे दीजिए। अच्छा एक सेकंड मजाक कर रहे हैं, एक सेकंड सर कैमरा लगा हुआ है, एक सेकंड सर कैमरा लगा हुआ है, मजाक कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अच्छा अच्छा बात सुनो, इधर आओ। अच्छा अच्छा मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आए। आपको नहीं चाहिए, हम नहीं दे रहे, हमने किया है मजाक। बात सुने, वो देखें कैमरा लगाया हुआ सर कोई दूध की दुकान नहीं खुलेगी, हाथ हिला दे, कैमरा लगाया हुआ, वो देखें